नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के दो नए नियमों के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के लिए दो नए नियमों को मंजूरी दी है और इनकी वजह से अब आने वाला क्रिकेट हमें कुछ बदले अंदाज में नजर आएगा। बात करें कि कौन से दो नए नियमों को मंजूरी दी गई है, तो इसमें पहला नियम धीमी गति से ओवर डालने से जुड़ा हुआ है। यानी कि पहले जब धीमी गति से ओवर डाले जाते थे तो उस पर कप्तान पर 50% मैच फीस का फाइन लगता था, वहीं बाकी प्लेयर्स पर 10% मैच फीस का फाइन लगता था और ऐसा लगातार 3 बार होने पर कप्तान को सस्पेंड भी किया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और अब ऐसा रूल आया है कि जब धीमी गति से ओवर डाला जाएगा तो उस पर टीम के सभी सदस्यों पर बराबर बराबर फाइन लगेगा और इसी के साथ उनके जो पॉइंट्स हैं उनमें कटौती हो जाएगी। वहीं बात करें कि दूसरा नियम कौन सा है, तो ये काफ़ी बढ़िया नियम है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरा नियम यह है कि मैच के दौरान अगर बैट्समैन बॉल से चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह पर नया खिलाड़ी खिलाया जा सकता है, लेकिन उसमें जो नया खिलाड़ी आएगा वो चोटिल खिलाड़ी का ही सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। यानी कि अगर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है तो बैट्समैन ही आएगा, बॉलर इंजर्ड हुआ तो बॉलर आएगा और ऑलराउंडर इंजर्ड हुआ है तो ऑलराउंडर आएगा। अगर ये रूल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच में होता तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी फायदा होता, क्योंकि उस वक्त उस्मान ख्वाजा चोटिल हो गए थे और उनकी वजह से मैच पर असर पड़ा था। तो ये थे दोनों रूल्स जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगे और दूसरा वाला तो ज़बरदस्त है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा रूल अच्छा लगा। इसी के साथ विदा लेते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।